अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम न्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम तलगांगो मियाँ वाली रोड के जो खस्ता हाली है उसके ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, आज हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो रोड जिसके बारे में कहा जा रहा था, यानी कि मिनिस्टर जो मवासलात हैं मुराद सईद साहब, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि ये रोड बनाया जाएगा। जो हमारे जो असम्बली अरकान असम्बली हैं उनका भी ये कहना था कि हम ये रोड बनाएंगे, लेकिन दो रोज़ कबल हमारे जो चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, उन्होंने कहा था कि अभी 3-4 साल मजीद लगेंगे इस रोड को बनाने के लिए। हम आज आपको ये रोड की खस्ता हाली दिखाना चाहते हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी आ रही है ये किस अंदाज़ से आ रही है। रोड आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से आपको रोड ये इसकी खस्ता हाली नज़र आ गई, जहाँ खड्डे बन चुके हैं। जब बारिश होती है, बारिश की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, गाड़ी यहाँ चल नहीं सकती, गाड़ी ना चलने जब लोग गुजरते हैं, क्योंकि ये बैन और सूबाई रूट है। यहाँ से कोयटा डेरा इस्माइल खान और कराची की यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाती है, और जितनी भी ये हैवी ट्रैफिक है वो इस रूट से गुजर के जाती है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो गाड़ी आ रही है ये गाड़ी लोडेड है, लेकिन ये भी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। इसी रोड के ऊपर क्योंकि हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इस इलाके के जो लोग हैं अपने प्यारों से महरूम भी हो रहे हैं, और इनके प्यारे जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर भी हो रहे हैं। इसके अलावा इस इलाके के जो लोग हैं अपने प्यारों से महरूम भी हो रहे हैं, और इनके प्यारे जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर भी हो रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ का जो जब ये ऐसा जो लोग ज़ख्मी होते हैं या एक्सीडेंट में जो बेचारे उनको जो मुतासर होते हैं उनको फिर लेके जाना पड़ता है पिंडी की तरफ, तो पिंडी में जब ये लोग जाते हैं तो इसी रोड से गुजर कर जाते हैं। यानी कि जो मरीज़ हैं इस इलाके के, जो क्रॉनिक मरीज़ है, जो ऐसे आप कह सकते हैं कि शदीद मर्ज में मुबतला जो मरीज़ हैं वो इसी रोड से गुजर के एम्बुलेंस से जाती हैं, तो उनके लिए भी यहाँ बहुत मुश्किल होती हैं। अभी ये देखें, ये गाड़ी गुजरी है लेकिन बड़ी इसने कोई शदीद जंप लगा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये दूसरे ट्रेलर भी आ रहा है, ये बसें गुजर रही हैं, लेकिन रोड की खस्ता हाली देख सकते हैं कि ये किसी हम नहीं कह सकते कि ये बैन सूबाई रोड है। तो अकाम बारह से गुजारिश है कि इस रोड की को तामीर किया जाए। और इसके बारे में ये चीज़ ये भी कही जाती है कि सालाना जो बजट होता है या सालाना जो ग्रांट होती है इसमें इस तमाम रोड की मरम्मत के जो फंड होते हैं वो रखे जाते हैं। अकामी बारे से ये पूछना मैं चाहूँगा कि ये वो फ़ंड किधर जाते हैं, जो इसके मुतलका जो इस रोड की जो अथॉरिटी है उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो फ़ंड है वो किधर जाते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस रोड की मेंटेनेंस बाज़ाब्ता तरीके से ना होने की वजह से, सालाना जो मरम्मत ना होने की वजह से आप कह सकते हैं कि ये वो जो फंड है वो किधर जाते हैं। आप ये देख सकते हैं ये जो ट्रेलर है वो किस अंदाज से गुजरा है और ये गाड़ी है वो किस अंदाज से गुजरी है, ये आप देख सकते हैं। ये लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर गया है। इस बात मेरे साथ हाजी साहब भी हैं, ये अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अली से बलकसर तक बहुत खस्ता रोड है, इतना ख़राब है, धक्के धक्के बिल्कुल ना, बहुत ज़्यादा नुकसान बहुत नुकसान है। अभी एक गाड़ी टूटी पड़ी है। अच्छा, हाँ ठीक है। आप क्या समझे कि क्या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को बनाना चाहिए रोड। अच्छा, जल्द अज जल्द बनाना चाहिए, जल्द अज जल्द बनाना चाहिए। जी नजर, जैसे आपने सुना ये जो मुसाफिर जो दोस्त आ रहे हैं इनका भी ये कह रहे हैं कि इस रोड को जल्द अज जल्द बनना चाहिए। तो मेरी अकाम बाला से ये हमारा सिंगल रोड है, ये डबल एक ही रोड पे आ जा रही है ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये कोटे से कराची तक रोड है, ये जा रही है, यहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, लोग ओवर स्पीड करते हैं और उसकी वजह से जो है ना वो हादसे होते हैं। ये अपील है कि इसको रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि लोग अपने प्यारों से महरूम ना हो, अपने प्यारों को सारी जिंदगी के लिए माजूर ना देख सकें। बहुत शुक्रिया जी।